नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यन मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ई मित्र की सभी सर्विस का कमीशन आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा जो प्रजेंट में ई मित्र पर चल रही सर्विस, जैसे आधार कार्ड प्लस राशन कार्ड की सेटिंग, पेंशन सत्यापन प्लस जन आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र या सभी प्रमाण पत्र की सेवाएं, इनके अलावा ई मित्र पर होने वाले सभी कंपनी के मोबाइल रिचार्ज या सभी प्रकार की ई मित्र की सेवाओं का कमीशन आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप ये काम कर रहे हो जिसका आपको यहाँ पर इतना कमीशन यहाँ पर दिया जा रहा, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। सारा का सारा महीने का भी आप चेक कर सकते हो, आपका यहाँ पर कितना कमीशन बना, तो किस प्रकार से चेक करोगे उसका सारा का सारा मैं आपका पास डिटेल से आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मंसूरों के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से न्यू टैब आपको ओपन कर लेना, इस प्रकार से आपको अपने पर ब्राउजर ओपन कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको गूगल में आपको टाइप कर देना, इस प्रकार से जन सूचना पोर्टल, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया जन सूचना पोर्टल राजस्थान, इस प्रकार से आपको टाइप कर देना। उसके बाद में यहाँ पर जन सूचना पोर्टल राजस्थान इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से न्यू टैब, इस प्रकार से आपको यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में आपको स्क्रॉल के इस प्रकार से नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से ई मित्र, इस प्रकार से इसका लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा ई मित्र, सिंपली इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार से आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेकंड वाला ऑप्शन, अपने क्षेत्र पंचायत ऑब्लिक वार्ड के ई मित्र क्वेश्चन के बारे में सूचना प्राप्त करें, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको सभी का आपको कमीशन इस प्रकार से चेक कर लेना। उसके बाद में इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका जिला हुआ आपको यहाँ पर आपको चूज कर लेना, इस प्रकार से जैसे मैं अगर जिला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में आप शहरी क्षेत्र से हो तो इस पर आपको टिक मार्क लगा देना, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको इस पर आपको टिक मार्क लगा देना। उसके बाद में आपको आपकी जो भी यहाँ पर पंचायत समिति हो, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपकी पंचायत समिति आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। उसके बाद में आपको जो भी आपकी ग्राम पंचायत हो, आपको यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत आपको चूज कर लेनी है, इस प्रकार से मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में सिंपली आपको खोजे पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप खोजे पर क्लिक करोगे तो आपके ग्राम पंचायत में यहाँ पर जितने भी मित्र होंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आपका भी यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत में इस प्रकार से आपका नाम इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, आपके अपने मित्र का। तो आप अपना यहाँ पर नाम देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपका नाम इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपके के नंबर भी इस प्रकार से मित्र के इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कमीशन किस प्रकार से चेक करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके नाम के सामने जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा लेन देन का विवरण, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा लेन देन का विवरण महीनावार। उसके बाद में आप किस प्रकार से कमीशन चेक करोगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको महीना वर्ष, उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको डेट लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से महीना वर्ष, इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपका महीना इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको वर्ष इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इस महीने का, आपको प्रेजेंट महीने का इस प्रकार से आपको कमीशन चेक करना, वो महीना आपको इस प्रकार से देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा लेन देन का विवरण, इस प्रकार से आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको लेन देन के आपको दिनांक इस प्रकार देख लिया, लेन देन का विवरण दिन के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको जब आपने लेन देन किया था ई मित्र से, तो उसकी आपको दिनांक आपको शो हो जाएगी इस प्रकार से, कब कब आपने कौन कौन सी तारीख को आपने यहाँ पर ई मित्र से यहाँ पर काम किया था। उसके बाद में आपने कितने यहाँ पर लेन देन किया था, इसमें कितने यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए थे, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस प्रकार से कितने रुपए का आपने यहाँ पर ई मित्र से काम किया था, वो भी आपको राशि यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर करना क्या, अधिक जानकारी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अधिक जानकारी पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंट डिजिटल साइंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर जाति मूल का यहाँ पर इसने प्रिंट लिया होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 20 रुपये का यहाँ पर आवेदन के राशि कटी है। उसके बाद में यहाँ पर इसका 16.95 रुपये यहाँ पर कमीशन इस प्रकार से मित्र के यहाँ पर दिया गया, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 16.95 रुपये कमीशन मिला। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ जैसे इस प्रकार से अधिक जानकारी में यहाँ पर क्लिक कर दे, जैसे मैं 7 तारीख का कमीशन यहाँ पर चेक करता हूँ,
इस प्रकार से, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो प्रेजेंट में यहाँ पर पेंशन का सत्यापन कर रहे हो, इस प्रकार से आर एज एस एस पी पेंशनर ईयरली वेरिफिकेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से सक्सेस हुआ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो भी आपका टोकन कटा हो, इस प्रकार से इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आवेदन के लिए राशि, तो यहाँ पर आपके मित्रों लीड से इतने रुपए कटे, उसके बाद में आवेदन के लिए कमीशन कमाए, ये आपने जो कमीशन आपको दिखाई देगा 42.37 रुपए, ये आपको यहाँ पर 42.37 पैसे ये आपको यहाँ पर कमीशन के रूप में मिला। इस प्रकार से आपका कमीशन बना। उसके बाद में आपने अगर यहाँ पर बिल जमा किया इस प्रकार से, तो बिल का यहाँ पर आपने यहाँ पर अमाउंट अपने वॉलेट से इतना कटा, उसके बाद में आपको बिल का यहाँ पर कमीशन इतना दिया गया। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो सारा का सारा डाटा, इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं जैसे पिछले महीने का इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी आपको सर्विस के बारे में थोड़ा सा और आपको कमीशन बता देता हूँ। इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पर इस डेट का कमीशन यहाँ पर चेक करके आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से देख लिया, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर सर्विस थोड़ी थोड़ी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप राशन कार्ड प्रिंट करते हो तो आपको यहाँ पर 20 रुपये का यहाँ पर टोकन कटता है इस प्रकार से। उसके बाद में 8.47 रुपये आपको यहाँ पर कमीशन दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जन आधार कार्ड अगर नया बनाते हो, सिटिंग करते हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पर 50 रुपये का टोकन कटता है इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर इतना 42.37 पैसे इतना आपको कमीशन है वापिस से आपको रिटर्न मिल जाता है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पर सारा का सारा इसमें दिया गया। उसके बाद में अगर आप पेंशन का फॉर्म अप्लाई करते हो इस प्रकार से, तो इसमें 50 रुपये का टोकन कटता है, उसके बाद में यहाँ पर 42.37 पैसे आपको यहाँ पर कमीशन के रूप में वापिस से मिल जाता है। इस प्रकार से आप, मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनाते हो तो आप इस प्रकार से देखिए अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर यह आपको यहाँ पर 50 रुपये का टोकन कट जाएगा, उसके बाद में आपको 42.37 के यहाँ पर कमीशन के रूप में आपको मिलेंगे। तो आपने जो भी यहाँ पर काम किया तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देख लिया, अगर आपने बिल भी जमा किया तो आपको इतना यहाँ पर कमीशन मिला, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो सारी की सारी सर्विसों का कमीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दिनवार सहित आपको यहाँ पर इस प्रकार से देख लेना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आपका टोटल महीने का इस प्रकार से आपको कमीशन आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ आपको देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर ये पिछले महीने का यहाँ पर आपको कमीशन किस प्रकार से चेक करना, इस प्रकार से कुल कमीशन आपका इस प्रकार से, ये कुल कमीशन आपका ये बन चुका है इस प्रकार से। उसके बाद में आपने इतने रुपये का यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया, तो इस प्रकार से इतने रुपये का ट्रांजेक्शन करने के बाद में ये कमीशन आपका बना। इस प्रकार से आप ऑनलाइन अपने ई मित्र का कमीशन इस प्रकार से ऑनलाइन डाटा इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको कौन सी सर्विस का आपको कितना कमीशन मिल रहा है, आपको कैसे आपको चेक करना है, सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से आपको बता दिया। तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर समझा दिया, पूरा का पूरा आपको डिटेल से आपको समझा दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी सर्विस के मित्र पर यहाँ पर सारी सर्विस का काम करके यहाँ पर अच्छा खासा कमीशन आप प्राप्त कर सकते हो और अपना यहाँ पर कमीशन इस प्रकार से पा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।